शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में हस्तगत कराया। ज्ञापन में सर्वप्रथम मांग की गई कि भाजपा सरकार में भी हिंदुओं के धार्मिक स्थल को तोड़ा जाएगा तो फिर धार्मिक स्थल कहां पर बचेंगे। सपा सरकार में जिस धार्मिक स्थल को नहीं हटाया गया वो भाजपा सरकार के आते ही हटा दिया गया, जो सरासर हिंदू समाज के साथ अन्याय है। इस दौरान शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने अपनी अन्य मांगे भी रखी, जिसमें कहा गया कि किसानों की समस्याओं का निदान किया जाए और चीनी मिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, गन्नों की पर्ची ऑनलाइन व्यवस्था कराई जाए, प्रत्येक गांव में अधिकारियों द्वारा किसान की पंचायत कराई जाए, गन्ने की फसल का मूल्य भी अधिकतम किया जाए। इन सभी मांगों पर प्रशासन के द्वारा ध्यान दिया जाए। जनता पार्टी की सरकार भगवा सरकार है, इसमें जिस तरह से हम सब लोगों ने, पूरे आम नागरिक ने, आम जनमानस ने, किसानों ने आज जो ये मान करके समाजवादी सरकार को हटाया था कि आने वाले समय में हमारे लिए सुंदर समय होगा, ये जो समस्याएं समाजवादी सरकार की तरह चल रही है उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी को DM साहब के मुद्दे से ज्ञापन दिया कि किसानों की समस्याओं को अविलंब हरा करा जाए और किसानों पर तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पर एक पंचायत लगाई जाए अधिकारियों के द्वारा। दूसरी मुख्य समस्या जो लूट, हत्या, डकैती, अवैध खनन, अवैध डग्गामारी, हर चीज़ हो रही है इस मुरादाबाद शहर के अंदर, जनपद के अंदर लगातार अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। दो दो हत्याएं हो गई, हत्याओं की स्थिति ये है कि जिनके घरों में हत्याएं हो रही हैं उनको आकर प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। तीसरी जो बहुत बड़ी समस्या आई कि लगातार दो महीने से हम लोग देख रहे हैं कि मंदिरों पर पथराव, अब मंदिर पर पुलिस ने ही बुलडोजर चला दिया। ये सबसे अशोभनीय घटना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अगर इस तरह की घटनाओं को प्रशासन ने नहीं रोका तो हम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों का घेराव करेंगे कि उन्हें जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा कि आप मंदिरों के पक्ष में हैं या किस तरह की राजनीति अब लोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है।